सो मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था भाई कि डी डी फ्रीडीज में 41वां ई ऑक्शन जिसमें हुआ उसमें नए चैनल बहुत सारे क्यों नहीं है, क्योंकि 8 चैनल के लिए हुआ था ई ऑक्शन, तो यहाँ पर 3 चैनल ही सिर्फ नए हुए, बाकी पुराने चैनल ही दोबारा ई ऑक्शन में भाग लिए। इसके अलावा कोई नए चैनल भी आ सकते थे ताकि हमारे डी डी फ्रीडीज में नए चैनलों की संख्या बढ़ जाए, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर मुझे वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रसार भारती ने के एक फैसले के कारण ही नए चैनल्स नहीं आ सके। तो कौन सा फैसला है जिसका 41वां ऑक्शन में नए नए बहुत सारे चैनल नए चैनल हिस्सा नहीं ले पाए, वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों बिना किसी देरी के आज का वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा कारण है जिस कारण नए चैनल्स नहीं आ सके। तो फ्रेंड्स सबसे जो मेन कारण है वो है मूल्य, बहुत दाम बढ़ा दिया गया था स्लॉटों का जिस कारण नए चैनल्स इसे खरीद नहीं पाए। जैसे जैसे पता होगा ई ऑक्शन में नीलामी होती है, बोली लगती है चैनलों की, हर एक चैनल का अलग कैटेगरी बना हुआ है, यानी जी चैनल या फिर कोई म्यूज़िक चैनल सबका अलग अलग रेट बना हुआ है, मतलब स्टार्टिंग रेट अलग से स्टार्टिंग, फिर इसके बाद बोली लगती है और ये रेट बढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग रेट को काफ़ी ज़्यादा रखा गया, जैसे इस बार की ये ऑक्शन में 41वां ई ऑक्शन में बाकी जितने भी ई ऑक्शन हुए सबसे ज़्यादा रेट इसी बार रखा गया। इस बार का रेट स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा रखा गया और इस कारण ये बोली बढ़ती गई और बहुत हाई चली गई। इस कारण बहुत सारे चैनल जो कि छोटे चैनल थे जो कि इतना पैसा नहीं दे पाए, जिस कारण वो हिस्सा नहीं ले पाए ई ऑक्शन में और हमारे डी डी फ्रीडीज में आज उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, यहाँ पर सभी चैनल के दाम लिखे हुए हैं कि कौन सा चैनल कितने में बिका। तो इस बार 3 चैनल हमारे डी डी फ्रीडीज में ऐड हुए हैं, तो पहला मनोरंजन गृह, दूसरा है यहाँ पर जिन्नाट और तीसरा स्काई स्टार तेलुगु। तो तीनों के यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पर मनोरंजन गैंग नाम का जो चैनल था वो यहाँ पर 8.17 करोड़ में बिका, यानी 8 करोड़ 17 लाख रुपए की इसकी स्लॉट की एक स्लॉट की बोली थी जो कि मार्च 2020 तक ही रहने वाली थी। मैंने इतने कम समय के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस था। अगर बात करें जो 2 मूवी चैनल ऐड हुए हैं तो इसकी प्राइस यहाँ पर रखी गई है फ्रेंड 6.76 करोड़, यानी 6 करोड़ 76 लाख रुपए। तो ये काफ़ी हाई है, बाकी जितने भी ऑक्शन हुए इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा मूल्य था। तो जैसे फ्रेंड बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर नए हिस्सा ले सके क्योंकि वो इतने पैसे नहीं लाए थे, और साथ ही साथ फ्रेंड जो पुराने चैनल थे मतलब 5 चैनल जो कि दोबारा हिस्सा लिए हैं वो डी डी फ्रीडीज इतना अर्न कर चुके थे कि वो दोबारा ये ऑक्शन भाग लेकर वापस अपनी स्थिति को बनाए रखें, जिसका नए चैनल से फ्रेंड नहीं आ सके। दोस्तों ऐसा ही हाल रहा था 42वां ई ऑक्शन, जहाँ से 42वां ई ऑक्शन जो होने वाला है उसमें इससे भी ज़्यादा रेट रह सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको 42वां ई ऑक्शन पे वीडियो चाहिए या नहीं।